हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आई होप आप ठीक होंगे। बीटीसी है 28,227 पे, मेरा अनुमान है। और आप हमारा यूट्यूब चैनल देखें सोशी स्टेप। बीटीसी पे बात करेंगे थोड़ी सी, बीटीसी की अपडेट दूंगा, उसके बाद है ब्लॉक लिक्विडेशन वगैरह देखेंगे, ऑर्डर बुक देखेंगे ट्रेडिंग लाइट से, और थोड़ा सा ईद की भी लिक्विडेशन वगैरह चेक करेंगे। आज ईद की क्या सूरत हाल रही है, तो चलते हैं शुरू करते हैं अपनी वीडियो पे। तो sociestep.com हमारी वेबसाइट है, ठीक है। सब्सक्राइब इस पर क्लिक करके आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग हमारे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलेगा, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे हमारी कोई न्यू वीडियोज़ अपलोड हो तो, ठीक है। फेयर एंड ग्रीज पर पहले बात करता हूँ। फेयर एंड ग्रीज देखें तो 62 ग्रीड है अभी, तो थोड़ा सा हम ग्रीड की तरफ जा सकते हैं, फिर उसके बाद हम रिवर्स ले सकते हैं। ग्रीड का मकसद यही है कि हम ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे और रिवर्स लेंगे ही देंगे, ठीक है। सोशल मीडिया लिंक्स हैं यहाँ पे भी, आप क्लिक करके हमारे सोशल मीडिया लिंक पे हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक है यहाँ पर है, आपने जब डिस्कॉर्ड के लिंक पर अगर आना है तो मतलब हमारा ज्वाइन करना है तो आपने हमारी वेबसाइट के थ्रू ही ज्वाइन करना है, ठीक है। अपने और कहीं से नहीं ज्वाइन करना क्योंकि स्कैमर्स का भी इशू होता है। बाईबिट के साथ एफिलिएट हैं इसके साथ, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाने की सूरत में, डिपॉजिट करने की सूरत में आपको बोनस मिलने के चांसेस होते हैं। ये दूसरे हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं, ब्लॉक के साथ ब्लॉक लिक्विडेशन वगैरह देखते हैं, ट्रेडिंग लाइट से हम ऑर्डर वगैरह चेक करते हैं, इनटू द ब्लॉक से ऑन चेन डाटा एनालाइज करते हैं। हमारे दूसरे ट्रेडिंग टूल्स है जिसमें एक्सो चार्ट से हम डाटा वगैरह चेक करते हैं, फुटप्रिंट देखते हैं, ऑर्डर बुक से ऑर्डर वगैरह देखते हैं, ठीक है। बाकी हमारी दूसरी चीज़ें आ रही हैं आस्ते आस्ते, ठीक है। हमारी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड होते हैं, डिटेल टीए करते हैं। मैं सुबह सिर्फ आपको अपडेट देता हूँ मार्केट में क्या सिचुएशन है, मार्केट के पास वीडियोज़ में क्या सूरत हाल थी, और मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या सूरत हाल है, तो उसमें जो अपडेट होती हैं, जो भी थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, तो मैं उसकी डिटेल देता हूँ। बाकी जो BTC पे पूरा टेक्निक एनालिसिस करते हैं ना, तो शाम को वो करते हैं, ठीक है। तो पूरा TA डिटेल में वही करते हैं, तो वही करते हैं, आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट का जोन बताते हैं, आपको बताते हैं भी कहाँ पे आपने ट्रेड लगानी, कहाँ पे आपने एग्जिट करना है, इस तरह की बात, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको डिटेल अपडेट करता हूँ मॉर्निंग अपडेट के लिए, ठीक है। तो चार्ट की तरफ चलते हैं। BTC का चार्ट, 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो आपने देखा होगा कि हम काफ़ी दिनों से इस एरिया में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि ये एरिया सिर्फ यहाँ पे ही फिर रहे हैं, ठीक है, और साइडवेज चलते रहे। फिर रात को कल हमने थोड़ा बूस्ट लिया है, ठीक है, मार्केट पंप हुई है। तो आप ये देखते हैं कि भाई इस गोल्डन पॉकेट से नीचे मार्केट नहीं गई, देख रहे हैं ना आप, इस गोल्डन पॉकेट से ये बहुत स्ट्रांग एरिया था, इससे मार्केट नीचे नहीं गई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम मार्केट अगर नीचे जाए हम यहाँ, हमारे पास ये टारगेट था 27,500 का टारगेट था, इसके बाद हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट था, ये वाला 27,100 का टारगेट था जो हम आपको दिया हुआ था। इसके बाद जो हमारा जो लॉन्ग का जोन था ये वाला था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिक्विडेशन वगैरह पड़ी हुई थी, यहाँ पे लिक्विडेशन उठाए और ऊपर चला जाए, ये हमारे पास लिक्विडेशन लेवल है जो जिसके वजह से हम आपको ये टारगेट दिया था, ठीक है। 4 आवर में आपको मैं ज़रा थोड़ा बेहतर बताऊँगा, आपको बेहतर बता सकता हूँ। 4 आवर में चलते हैं, फोर आवर में देखें, ये आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी, तो ये हमारा एक लिक्विडेशन लेवल था, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू लाइन है हमारे पर लिक्विडेशन लेवल था, यहाँ पर हमारे पर लिक्विडेशन पड़ी हुई थी, अगर यहाँ से स्विंग फ्लैट पैटर्न बनाता यहाँ से ऊपर हम जा सकते थे, लेकिन मार्केट अभी आएगी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट इतनी ऊपर नहीं गई। जब तक मार्केट नीचे की लिक्विडेशन नहीं उठाएगी, यानी कि नीचे के लेवल की लिक्विडेशन नहीं उठाएगी, मार्केट ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस एरिया की लिक्विडेशन उठाए, फिर इस एरिया की लिक्विडेशन उठाए, यानी कि स्विंग फुल पैटर्न बनाए इस एरिया से और इस एरिया से, जिसकी बार बार हम बात कर रहे थे, दौर पर भी आपको डिटेल में बात कर रहे थे, ठीक है। इस एरिया की लिक्विडेशन उठाए, फिर हम ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। देखिए ऊपर अगर गया भी है, देखिए इस लेवल से हमने रिजेक्शन ली है, ये मैंने टर्न लगा, ये पहले हमने यहाँ पे था, ये हाई लगा था, इसके बाद फिर यहाँ पे ये हाई लगा, इसके बाद ये हाई लगा था, इसके बाद फिर ये इसने यहाँ पे हाई लगाया, मतलब हायर लो लगाया है, इसके बाद फिर हायर लो लगा रहा है। BTC अभी फिलहाल हायर लो ही लगा रहा है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट किया
जा सकता है कि अभी नीचे अगर मार्केट आती है इस एरिया को, ये हमारा एरिया ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, ये एरिया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोल्डन पॉकेट जो है ना आप देख सकते हैं 27,800 यानी 27,800 का एरिया आप लगा लें, तो ये हमारा पास बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया को ब्रेक करने की सूरत में हम नीचे के लेवल देखेंगे, ठीक है, हम नीचे के लेवल देखेंगे, फिर हमारे पर यही जोन आएगा, उसके बाद ये जोन आएगा। अगर हम यहाँ से रिजेक्शन लेके, पहले तो इस रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाएं, नहीं तो फिर हम यहाँ से लेके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। बाकी हम ऑर्डर बुक वगैरह देखते हैं, और मैं पहले आपको एक्सेल चार्ट से दिखाता हूँ भाई हमारे पास डाटा कितना हुआ है, मतलब काम शाम कितनी ट्रेड हुई है। अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ जब 15 बिलियन की यहाँ पे ट्रेड हुई, उसके बाद हमारे पास सिर्फ 9.9 बिलियन की ट्रेड हुई, इसके बाद 6 बिलियन की ट्रेड हुई, 4 बिलियन की ट्रेड हुई, मतलब 3 दिन में हमारे पास ट्रेड लगी नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद 8.9 हुई, ये कल ट्रेड लगी, आखिरी ट्रेड जो ये तकरीबन 4 बिलियन की ट्रेड थी कल तक, तो उसके बाद जब रात को थोड़ी मूवमेंट हुई है तो उसके बाद 8.5 बिलियन की ट्रेड लगना शुरू हो गई थी, ठीक है। ऑर्डर बुक देखते हैं, ऑर्डर बुक में क्या सूरत हाल है, ऊपर के पहले ऑर्डर देख ले, ऊपर ऑर्डर लगे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे कितना ऑर्डर लगे। पिंक आपको 600 का ऑर्डर शो करेगा, 600 BTC का ऑर्डर लगा हुआ है 28,600 पे, फिर 28,700 पे 390 का ऑर्डर लगा हुआ है, फिर 318 पे 318 BTC का लगा हुआ है 28,800 पे, फिर इसके बाद 28,950 पे है 516 BTC का ऑर्डर लगा हुआ है, फिर 84 BTC का ऑर्डर लगा हुआ है 29,000 पे, फिर 29,100 पे BTC का ऑर्डर लगा हुआ है, 29,100 तक ऑर्डर लगे हुए हैं। तो एक्सपेक्ट भी अभी हम यहीं तक कर रहे हैं, अगर मार्केट अगर जाएगी तो ज़्यादा यहीं तक जाएगी, तो उसकी रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा कि लिक्विडेशन भी हमारे पास यहीं बड़ी, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। नीचे अगर देखें तो हमारे पास नीचे ऑर्डर ये लाइन वाइज लगे हुए हैं, ऑर्डर देखें 300, 200, 200, 200, 200, 265 ये 28,150 तक ऑर्डर लगे हुए हैं, उसके बाद 289 का ऑर्डर लगा हुआ है 28,000, फिर 325 BTC का ऑर्डर लगा हुआ 28,000 पे, ये 289 का लगा हुआ था 28,100 पर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 385 का है 27,800 पे, फिर उसके बाद 391 27,785 पे है, फिर ये बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है 580 BTC का है 27,200 पर, ठीक है। इसके बाद फिर 457 BTC का ऑर्डर लगा हुआ 27,010 पर, फिर इसके बाद 314 27,000 पे, ठीक है, 27,000 तक ऑर्डर लगे हुए हैं, लेकिन ऑर्डर भी वहाँ तक लगे हुए हैं जो हम आपको टारगेट बता रहे हैं कि यहाँ मार्केट आए और यहाँ से और स्विंग फिल पैटर्न बनाए और ऊपर चली जाए, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट का अगर ये वन डे का 24 आवर का है, ठीक है, 124 आवर में देखें ज़्यादातर लॉन्ग ही आपको नजर आ रही है, लगती है लोग लॉन्ग ही लगा रहे हैं, तो मार्केट क्या चाहती है, मार्केट यही चाहती है, मार्केट में यही चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा लॉन्ग लगे और हम उनको ट्रैप करें, ठीक है। ये एक बड़ी शॉर्ट लगी थी, ये थोड़ा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं, ये देखें ना, ये बड़ी शॉर्ट लगी थी 51 मिलियन की, फिर इसके बाद ये लॉन्ग लगी 86 मिलियन की, ये 72 मिलियन की, फिर इसके बाद बड़ी ये लॉन्ग लगी थी ऑलमोस्ट कितनी मिलियन की, 110 मिलियन की, ठीक है। 7 डेज का चार्ट देखते हैं, 7 डेज में आपको सिर्फ ज़्यादातर लॉन्ग ही नज़र आएंगी, देखेंगे आपको लॉन्ग ही लगी ज़्यादा नज़र आएंगी, ठीक है। डेल्टा लिक्विडेशन देखते हैं, डेल्टा लिक्विडेशन क्या है हमारे पास, हमारे पास कल तक शॉर्ट की थी 2.8 की हुई, फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्ग की बढ़ गई 1.57 बिलियन की हो गई, कहाँ तक गई थी यहाँ देखते हैं तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन की हो गई थी हमारे पास लॉन्ग की लिक्विडेशन, तो अभी क्या है 1.7 बिलियन की हो गई है, तो एक्सपेक्टेड किया जाता है यहाँ पे ये इसको यहाँ पे लिक्विडेशन है 168 मिलियन की 28,000 पर, इसको लेने आ सकता है, ठीक है BTC, और 120 मिलियन की यहाँ पे भी 27,850 पर, फिर यहाँ पर है 168 मिलियन की 27,748 पे, फिर इसके बाद 168 मिलियन की है 27,153 पे, तो ये इसको लेने आ सकता है मार्केट इसको लेने आ सकती है, ठीक है। अच्छा तो ये हीट मैप देखते हैं, ठीक है, ये 7 डेज का मैंने ओपन किया हुआ, तो हमारे पर ये लिक्विडेशन पड़ी हुई है, ये 7 डेज का है 28,850 पर, 5.4 बिलियन है 28,950 पे है, 3.6 बिलियन है,
और 29,000 पे है 3.5 बिलियन। तो ये एरिया जिसका आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट जाती है, रिजेक्शन लेती है और ऑर्डर भी यहीं तक लगे हुए हैं। आपको बताया ना, ऑर्डर भी दिखाए हैं, ऑर्डर यहीं पे लगे हुए हैं, ये लिक्विडेशन उठाए और वापस आ सकते हैं। लेकिन मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे जाए, लेकिन मार्केट ज़्यादा ऊपर इसलिए नहीं जाती कि जब तक नीचे की लिक्विडेशन उठा ना ले, नीचे की लिक्विडेशन उठाएगी तो फिर मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगी। ये वन मंथ का मैंने ओपन किया, वन मंथ में देखे ना यहाँ पर 29,400 पे है 21.6 बिलियन है। फिर अगर यहाँ पर ग्रीन लाइन अगर देखें तो 28,900 पे है 16.2 बिलियन है। फिर उसके बाद 21,900 पे है 11 बिलियन है। तो अब देखना यहाँ तक कहाँ तक लिक्विड, बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है हमारे पास बिलियंस के हिसाब से। 10-10 बिलियन की, 8-8 बिलियन की एक लाइन है, ये 16 बिलियन की, 21 बिलियन की एक लाइन है, तकरीबन 70-80 बिलियन 30,000 तक पड़ा हुआ है। तो ये मार्केट लेने जाएगी, लाजमी जाएगी। उससे नीचे अगर देखें तो नीचे भी हमारे पास बहुत लिक्विडेशन पड़ी हुई है, 25,200 पे 22 बिलियन पड़ा हुआ है, 25,300 पे 21 बिलियन है, 25,400 पे 21 बिलियन है। देखें 200 से लेकर 400 तक, ये 300 के डिफरेंस में 60 बिलियन पड़ा हुआ है, और 2,100 पे भी 10 बिलियन 70 बिलियन ये हो गया, 25,700 पे 17 बिलियन पड़ा हुआ है। अब 87 बिलियन यहाँ पे बन रहा है सिर्फ इस एरिया में, 25,700 से 25,100 तक 17 बिलियन यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखें तो करीब करीब 27,600 पर 7.2 बिलियन है, और 27,500 पर जो एरिया हम आपको बता रहे हैं यहाँ से मार्केट आए, यहाँ से लेके ऊपर निकल जाए, तो यहाँ पे जो अगर पड़ा हुआ है तो 6 बिलियन है, 7 बिलियन है, 8 बिलियन, 3 बिलियन है, यहाँ पे पड़ा हुआ नज़र आएगा आपको। 27,100 पे 11 बिलियन पड़ा हुआ है, 27,000 पे 10 बिलियन पड़ा हुआ है, 26,900 पे 11 बिलियन पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी काफ़ी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। तो एक्सपेक्ट यही था कि हम यहाँ से मार्केट नीचे आए, इस एरिया की लिक्विडेशन उठाए और ऊपर जाए, ठीक है। ईद का मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता था, ईद का मैं, ईद की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ईद में हम लोग उधर लॉन्ग BTC में तो लॉन्ग में लगे हुए हैं, हमारे पास लॉन्ग ज़्यादा है, और ईद में देखें ना 2.6 बिलियन की डेल्टा शॉर्ट ज़्यादा है। तो देखें ना मार्केट में ज़्यादातर शॉर्ट ही है, देखो मार्केट क्या सूरत हाल बना रही है। ईद में ज़्यादातर लोग शॉर्ट लगा के बैठे हुए हैं, ईद काफ़ी ऊपर चला गया ना, इसलिए ईद की लिक्विडेशन देखेंगे तो यहाँ पर 1980 में 1,980 पर 11 बिलियन पड़ा हुआ है, उसके बाद 1960 पे 10 बिलियन पड़ा हुआ है, 1970 8.7 बिलियन है। तो 2000 प्राइस जो आपको टारगेट भी दिया हुआ था दौद मैंने वीडियो में 7.3 बिलियन, ऑलमोस्ट 7.4 बिलियन बनता है, 1990 में भी 8.3 बिलियन पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो लेकिन 40-50 बिलियन 50-60 बिलियन इस एरिया में पड़ा हुआ है 2000 तक, कहाँ से लेकर 1960 से लेकर 2000 तक। यहाँ करीब करीब देखेंगे तो 3 बिलियन यहाँ पे 1880 पे, 1900 पे 2.6 बिलियन है, और 1930 पे 3.6 बिलियन है। उससे नीचे अगर आएंगे तो 1800 पर 5.4 बिलियन आपको नज़र आएगा, मिलेगा लिक्विडेशन। 1810 पे है 3 बिलियन है, फिर उसके बाद 1790 पे 2.8 बिलियन पड़ा हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, रैप अप करता हूँ मैं, और डिटेल टी ये आपको पता है शाम को डॉट पे करेंगे, और दो दिन बिजी रहे थे वो, अब ज़्यादातर आपको बता वीडियो नहीं बना सके, आप पता सोचते हैं आजकल किस तरह की चल रही है। तो अभी एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं, लॉन्ग का जोन हमारा यही होगा, इस लेवल को ब्रेक करेंगे जो कि हमारा 27,800-27,700 का लेवल है, फिर हम ये लेवल देखेंगे। आपका लॉन्ग जोन यही है आपको, ठीक है, आपको लॉन्ग के जोन यही बताए हुए हैं और ये बताया हुआ है, ठीक है। बेहतर तो यही होगा कि हम वेट करें नीचे, अपने जोन का वेट करें, जोन पर ट्रेड करें, ठीक है। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, और लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलेगा, आपके लाइक एंड कमेंट बहुत कम आते हैं, तो आपकी सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर वीडियो बनाने का मज़ा भी नहीं आता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।